नाथ बल सुद्रम हरण गेय हे श्री राधा कृष्ण चंद्र श्री लक्ष्मण सिंहदेव गेय हे श्री सीताराम लखन मंजु गेय हे गौर गोपाल जो गेय ग्रंथ श्रीमद्भागवतम गेय शिलोपाल महाराज गेय शिल गुरुदेव गेय संबित गौर भक्त गेय निधाई गौरमानंदे यार गोष्ट सुमंडी वोटी यार गोष्ट सुमंडी वोटी यार गोष्ट श्री गुरु शिवराम नारायण नमस्कृत्य नरंजयनरतमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदिरे वेदे रामायणे सैव पुराणे भारते तथा दुचन्ति च मध्ये चारि सर्वत्र गीयते मुखं करोति वाचालं मुमुलं करोति गिरिं जग्रोपासमं वन्दे श्रीगुरुनन्दारिणि परमानन्द माधव नमो विष्णुपादाय कृष्णभ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिस्वरूपदं दुर्स्वामिनि दिनामिनि नमो विष्णुपादाय कृष्णभ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदशतारिणी वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च वज्रानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिपदवी सद्वदै नमो नमः मनोजवुमुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं पादात्मजं वा नरजोतमोक्षं श्रीरामदूतं चरणं प्रपदे श्रीरामदूतं चरणं प्रपदे नीलाम्बुजं श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामगं प्राणोर्मासाकचारुतापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंश नमामि रामं रघुवंशनाथं हे कृष्णा चैतन्या प्रभो नित्यानन्द श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवकवीन्द कन्या प्रभुनिदा गदाधरा श्रीवासादि
गौरवासा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे दुर्गमे पृथिवीअंधस्य स्खलद्बाधगते मुहु सकृपाजष्टिदानेन सन्त सन्तु अवलम्बनम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैषिके ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम् दशम स्कंद 68 अध्याय श्लोक 26 नमः पंकजनाभाय नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे नमस्ते पंकजांग्रे नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे आम समस्त एक संगे ये श्लोक पाठ करवा नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे तेन ये 25-32 ये श्लोकटी बहुत गुरुत्वपूर्ण श्लोक बहुत प्रसिद्ध श्लोक ये श्लोकटी मध्य कुंतीदेवी भगवान प्रार्थना करसन जदिओ आम प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय ये श्लोकटी शुणीचे आगुरी शुणीचे कि प्रकृत में ये श्लोकटी कुंतीदेवी आ पर कही
ये श्लोकटी जो भूमिदेवी प्रार्थना करसंती भगवान प्रार्थना करसंती भगवान सेतबेले आठटी मात्र विवाह करथिले तापर एबे वर्तमान 16000 स्वयं को विवाह करिवे आपरे तांकर गृहस्थ लीला एबळी भाव रहि कि पाखबा कि तांकर 90 वर्ष जेतबेले हे जायतिबो सेइ समय रे कुंती देवी ए श्लोकटी कहितिबे एबळी भाव भगवान को स्तुति करथिबे जदिओ एटा आगर कहा जाय प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय कहा जाय छि तेणु ये श्लोकटी दुई थर आम देखुचे भागवतम तेणुकर ये श्लोकटी बहुत गुरुत्वपूर्ण तेणु आम जो शुणुचे पृथ्वीदेवी भगवान को स्तुति कर 25-32 आठटी श्लोक भगवान को स्तुति कर स्तुति भगवान सुजोग प्रदान कर विषय वर्णना करने भगवान सुजोग प्रदान कर भगवान ये जो भगवान करो जो आम कौचे गुणगान करे सब कथा ये भगवान मध्य आनंद प्रदान करे जमी आम देखा प्रभुपाद महाराज कहती जमी आमर गुणगान कले आम भल लगुचे से भाव भगवान गुणगान कले भगवान मध्य आनंद लगे भगवान शुणाप आसती भगवान कथा जो हुए भगवान से जाए भगवान कहते नहां तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनां हृदय न च मद्भक्त जत्र गायती तत्र तिष्ठामि नारद भगवान कौटी वैकुंठ न था जोगी मान हृदय न था कि जो भगवान कथा कहा जाए भगवान गुणगान करा जाए भगवान से भगवान भी भगवान कथा ये भगवान मत आकर्षित करे भगवान जो गुण रही भगवान मत आकर्षित करते अन्न मान तो आकर्षित हे ये श्लोकटी रही आत्मारामस्य मुनयो निर्ग्रंथावरी क्रमे आहेतुकी आत्मारामस्य मुनयो निर्ग्रंथापि उरुक्रमे कुर्वन्ति आहेतुकी भक्ति मितं भूत गुणहरी भगवान गुण यह रही समस्त को आकर्षित करती एमती भगवान निजे आकर्षित हाँ गुणपति तेणु एटि जो भगवान रूप वर्णना कर भगवान पूर्व शुणु कि भाव शंख चक्र गदाधर बोली कहु भगवान रूप को वर्णना कर बाम हस्त रही बाम पटे दुईट हस्त रही तलु आरंभ कर तले शंख तापर चक्र डाण पट ऊपर हस्त गदा एवं भाव शंख चक्र गदाधर ये भगवान रूप को वर्णना कर एटि से भाव भगवान रूप किभि रही भगवान रूप भौतिक जगत रे सबुठ सुंदर वस्तु कहले सीटा हो पंकज सबुठ असुंदर वस्तु जोटा जात हुए सब सुंदर पंकज पंकज पंकुर से जात हो पद्म ये असुंदर वस्तु जात होते सुंदर होगवान यह सृष्टि भगवान असंभव को संभव करें संभव को असंभव करें पंकरु जात हो पंकज पद्म केते सुंदर पंकटा केते असुंदर देखा कितु पंकरु ये सुंदर वस्तु जात हो पंकज तेणु भौतिक जगत रे सब सौंदर्य वस्तु जदि कह सौंदर्य बेसी सीटा हूँ पंकज बाई पद्मर तेणु भगवान रूप को पद्म सहित तुलना करा जाए कि भगवान रूप सहित पद्म किसी तार आसो ना कौन आसो ना तो तुलना आसो ना कि अन्य कौन सी वस्तु ना भौतिक जगत रे जहाँ को आम भगवान रूप सहित उपमा दवा तेणुक पंकजर उपमा दि जाए पंकज हूँ सब सुंदर वस्तु तेणु पंकजर उदाहरण दि जाऊँगी तेणु ये कहते भगवान नाभि पद्म भगवान जो रही नाभि ये गोटे पद्म भली भगवान नाभि ये हूँ भागवत वर्णना कर भगवान नाभि ये पंचम स्कंद हूँ भगवान नाभि प्रदेश पंचम स्कंद स्थान भागवत में 10 वस्तु विषय वर्णना कर 10 विषय वर्णना कर स्वर्ग विसर्ग स्थान पोषण उतय मनोतर ईशान कथा निरोध मुक्ति आश्रय ये 10 विषय भागवत वर्णना ये सब ज्ञान ये रही तेणु भगवान वैज्ञानिक मान गवेषणा करण थे कौन थे चंद्रलोक कौन अच्छी ये सब कही कत सब चली गवेषणा चली कहले कौन किसी ना से शून्य वस्तु सब रही
ଆମେରିକାରେ ସେ ଯେଉଁ ଆଣିକିରି ଆସିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଇଟା ପଥର ସବୁ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସବୁ କହିଲେ ସେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲେ 1969 ନା କେଉଁ ମସିହାରେ, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଆମେ ଫରେନରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପୃଷ୍ଠକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ସେମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଏତେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଶୁଣିକିରି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କେତେଜଣ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଇଏ ଗୋଟେ କନଜରଭେଟିଭ ବ୍ୟକ୍ତି, ଇଏ ଆମେ ଆଖିରେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ, କହିକିରି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଯାଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳାଲୋକକୁ ଯିବା ବି ଚାଲିଛି, ଯୋଗାଡ଼ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଏଇଠି ବସିକିରି ସବୁ ଜାଣିପାରିବା, ଭାଗବତ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ସ୍ଥାନ କେଉଁ କ'ଣ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାଭି ପ୍ରଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧ ହେଉଛି ଭଗବାନ, ଆମେ କହୁଥିଲେ ଏ 12 ସ୍କନ୍ଧ ଯେଉଁ ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଭି ପ୍ରଦେଶ ରହିଛି ଏ ସ୍ଥାନ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, କେଉଁ ଲୋକ ସବୁ ରହିଛି, କେଉଁଠି କେତେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ପଢ଼ୁଛେ, ଆମର ଭୂଗୋଳ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛେ, ସେ ଲିମିଟେଡ୍ ନଲେଜ୍ ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭୂଗୋଳ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଭୂଗୋଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ଭୂଗୋଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଭୂଗୋଳ ଭୂ ହେଉଛି ଗୋଲ, ଭୂ ହେଉଛି ଗୋଲ, ତେଣୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ପୃଥିବୀ ଗୋଲ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା, ଏସବୁ କଥା ରହିଛି। ସକ୍ରେଟସ୍ ତାଙ୍କୁ ବିଷ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା, ବିଷ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସକ୍ରେଟସ୍, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ରହିଛି ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଥିଲା ପୃଥିବୀ ଗୋଲ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଚାରିକଣିଆ ବା ଏମିତି କ'ଣ ରହିଛି, ଗୋଲ ନୁହଁ। ସକ୍ରେଟସ୍ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଗୋଲ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିଷ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା, ତେଣୁ ସକ୍ରେଟସ୍ କହିଲେ ମୋତେ ଆଗ ତୁମେ ଧର, ତାପରେ ମୋତେ ବିଷ ଦେବ, ତେଣୁ ସକ୍ରେଟସ୍ ସେ ବିଷକୁ ପାହାନ କରିଦେଲେ। ସକ୍ରେଟସ୍ ଧ୍ୟାନ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆମର ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ କହିଲେ ନା ଭୂ ହେଉଛି ଗୋଲ, ଭୂଗୋଳ ଲେଖା ହେଉଛି ଭୂଗୋଳ ଗୋଲ, ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ରହିଛି। ଏ ପୃଥିବୀ ବା ଅନ୍ୟ ସବୁ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି ଏ ଭଗବାନ ନାଭି ପ୍ରଦେଶ, ନାଭି ପ୍ରଦେଶରେ ଏସବୁ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପୃଥିବୀରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଏସବୁ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଭଗବାନ ନାଭିକୁ ଗୋଟେ ହ୍ରଦ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜଳରେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ନାଭି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହ୍ରଦ ଭଳି, ନାଭି ହ୍ରଦ ଯାହାର ନାଭି ଯେତେ ଗଭୀର ସେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ମହାପୁରୁଷ। ମହାପୁରୁଷର 32 ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି, ତାହାଦେହରୁ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଗଭୀର ନାଭି ତାଙ୍କର ରହିଛି, ଗଭୀର ନାଭି ଯାହାର ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ମହାପୁରୁଷ, ଏ ମହାପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଭି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗଭୀର ନାଭି ରହିଛି, ଏବଂ ସେଇ ନାଭିରୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ପଦ୍ମଜାତ ହେଲା ଭଗବତ ଭାଗବତ ଏଇସବୁ ପୃଥିବୀ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ନା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କିଭଳି ହେଇଛି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭାଗବତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ବିସର୍ଗ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କପିଳଦେବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବିଦୁରଙ୍କୁ, ଏ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଭାଗବତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଭୁଲ ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଭୁଲ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି,
ନା ସେଇଟା ଯାହା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଭୁଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଦେଲୁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ବଦଳି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଭି ପ୍ରଦେଶ ଗୋଟେ ହ୍ରଦବଳୀ, ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ନା କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପଙ୍କଜ ବା ଇ ପଦ୍ମ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଦ୍ମରେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଭାଗବତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ପଙ୍କଜ ନା ଭୌତିକ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ କିଭଳି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ନଥିଲା। ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ଭାବେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ନାହିଁ, ଖାଲି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କରି କରିକିରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କଲେ ବଳରାମ ରୂପରେ, ବଳରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆସିଲେ, ବାସୁଦେବ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅନିରୁଦ୍ଧ, ସେହି ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଜଣେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆସିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଲେ କ'ଣ କାରଣାନବ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ, ଏ ମହାବିଷ୍ଣୁ, ଏ କାରଣାନବ ଜଳ ଯେଉଁ ଚିତ୍ ଜଗତ ରହିଛି, ଚିତ୍ ଜଗତର ଜଳ କାରଣାନବ ଜଳ, କଜାଲ ଓସେନ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହନ୍ତି କଜାଲ ଓସେନ, ଏ କାରଣ ସବୁକିଛିର କାରଣର କାରଣ ହେଉଛି ସେଇଟା, ଭୌତିକ ଜଗତର କାରଣ ହେଉଛି ସେଇଟା, କାରଣ ଲୋକ ସାଇ ସେଇଠି ରହିଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ରହିଛି, ମହାବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସରୁ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜଣେ ବିସ୍ତାର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗର୍ଭୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ, ଗର୍ଭୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସେ ଏଇ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଭୌତିକ ଜଗତ ସବୁ ଅନ୍ଧକାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା, ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଭଗବାନ ନିଜ ଶରୀରରୁ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଝାଳ, ଝାଳଟା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱେଦ ହେଉଛି ଏଇ ଗର୍ଭୋଦକ ଜଳ, ଏ ଜଳ କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହନ୍ତି ଉଦ୍ଜାହନ କ'ଣ ସବୁ କ'ଣ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମିଶିଲେ ହେଉଛି H2O, ଦୁଇଟା ଉଦ୍ଜାହନର ପରମାଣୁ ଆଉ ଏସବୁ ରହିକିରି ଏସବୁ ହେଉଛି ଜଳ ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଇଏ ବାୟୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ତେଣୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ମନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ତିଆରି କରିପାରିବ? ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜଣେ ଦରକାର, ଜଣେ ତାକୁ ମିଶାଇବେ, କିଏ ମିଶାଇଲେ ସେଇଟା? ତେଣୁ ଏ ଜଳ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ଆସୁଛି, ଜଳର ସୃଷ୍ଟିର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ରହିଛି, କେମିତି ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଭୌତିକ ଜଗତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କିଭଳି ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିରୁ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଅଗ୍ନିରୁ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଭୂମି ଜଳ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ଆକାଶ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଭଗବାନ ଏଇଭଳି ଭାବେ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସ୍ଥୂଳ ସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଶବ୍ଦ, ଶବ୍ଦରୁ ଆକାଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଏତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ନାହିଁ। ଆମର କଥା ହେଉଛି ଏ ଗର୍ଭୋଦକ ଜଳରେ ଭଗବାନ ଶୟନ କଲେ, ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କର ପଦସେବା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସେତେବେଳେ ବିନା ପତ୍ନୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ କଲେ, ତାଙ୍କର ନାଭିରୁ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ଏଇ ପଦ୍ମ ବାହାରିଲା, ଗର୍ଭୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାଭିରୁ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ବାହାରିଲା ସେଇ ପଦ୍ମରେ ପଦ୍ମ ଯୋନି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏଭଳି ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଏସବୁ କଥା ଆ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକି ବ୍ରହ୍ମା ଏଇ ପଦ୍ମକୁ ପଦ୍ମନାଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 14 ଲୋକରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ, 14 ଲୋକ ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ରଖିଲେ, ମଝିରେ ରଖିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ତା ତଳେ ରହିଲା 7 ଲୋକ, ପୃଥିବୀ ରହିଲା 8 ଲୋକ, ଆ ଉପରେ ରହିଲା ଆହୁରି 6 ଲୋକ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ 14 ଲୋକରେ ପରିଣତ କଲେ ଏଇ ପଦ୍ମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର। ଯେଉଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଭଗବାନ, ବ୍ରହ୍ମା ତାକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି, ବିସର୍ଗ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ବିସର୍ଗ କୁହାଯାଏ, ବ୍ରହ୍ମା ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଙ୍କଜ ନାଭାୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଭିରୁ, ନାଭି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପଙ୍କଜ ଭଳି ପଦ୍ମ ଭଳି ଭଗବାନ ନାଭି, ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦ୍ମର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଭି ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାଭି ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ନାଭି ଭଳି ଏ ପଦ୍ମ ଭଳି ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଦେବୀ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କହୁନୁ, ପଙ୍କଜ ନାଭାୟ ଭଗବାନ ନାଭି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି, ପଙ୍କଜ ନାଭାୟ, ଏବଂ
नम पंकज माली भगवान पंकजर माला परिधान करती पद्म माला परिधान करती पंकज माली ने पंकज आम कौच ना पद्म बहुत पद्मर बहुत गुण रही आम जो प्रार्थना करते श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा बंदो मोहि सावधान मे तेणु पंक आम श्रीमद गौरवंद स्वामी महाराज आप गोटे ग्रंथ रचना कर श्री गुरु चरण पद्म कहीं क्या पद्मर बहुत महान महानता रही पद्मर तेणु ये पद्म शीतलता प्रदान करुच्ची शीतलता प्रदान करुच्ची सौंदर्य रही शीतलता रही पद्म जो मधु रही मधु बा जो महु मऊमाछी मैंने से मैंने सब विभिन्न प्रकार फूल को जाती ये मधु संग्रह करती विशेष भाव में केतकी फूल को जाती केतकी फूल से कंटारे सब सब शरीर सब छिन्न हो जाए किंतु जिते पंकज पद्म फूल से बसती बहुत आनंदित प्राप्त हमें बहुत आनंद प्राप्त हमें से मैंने मऊमाछी मैंने बहुत आनंद प्राप्त हमें यह आनंद प्राप्त हमें रात्रि हो गले से जापारती ना रात्रि हो गले पंकज जो रही पद्म बंद हो जाए पद्मर बहुत गुण रही कौन आम कह आम महाराज से रचना कर गोटे ये गुरुचरण पद्म बोली बहुत कथा रही तादेह तेणु ये पद्म रही पद्म यह रही तार गुण सब रही ये पद्म मधु कहुए जो मान चक्षु कम कर आखि कम कै ना देखिपार ना ये सब जिन बहुत औषधपत्र पाइला कम कै ना आयुर्वेद शास्त्र में ये पद्म मधु को प्रदान करा जाए पद्म मधु जो से लगाती चक्षुरे चक्षुर तार दृष्टिशक्ति फेरी पाती से मैंने यहाँ आम श्रीमद गौरव श्री महाराज कहते पद्म मधुरे बहुत रही मधुर विभिन्न प्रकार मधु रही पद्म मधु पद्म मधु हूँ श्रेष्ठ मधु पद्म भितर श्रेष्ठ मधु हूँ पद्म मधु तेणु ये जो भगवान पद तुलना नम पंकज नाम पंकज माली ने ये पंकज फूल माड़े भगवान बहुत भगवान प्रिय पंकज माली ने एवं नम पंकज नेत्राय भगवान का जो दुईट नेत्र रही पद्म फूल पद्म भली पद्मनयन भगवान पद्मनयन पद्म पद्म पंकज नेत्राय भगवान पद्मी चक्षु से भाव पद्म फूल भरी पंकज नेत्राय एवं नमस्ते पंकजांग्रे भगवान पाद पद्म बोले आम कौचे आहरी बहुत रही भगवान हस्तपद्म कहुए भगवान मुखपद्म कहुए यह सबकि भगवान पद्म सहित तुलना कर तेणु अंतिम कहले पंकज पंकजांग्रे आम पंकजांग्रे जो रही भगवान पाद पद्म 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 भली सुंदर देखापी भगवान पाद ए भगवान पादर मध्य तो चिन्ह रही सबू उन्नीस चिन्ह रही भगवान डाण पादरे एगारटी चिन्ह रही बाम पादरे आठटी चिन्ह रही उन्नीस चिन्ह रही भगवान पाद पद्म तेणु ये गोटे पद्म रही भगवान पादरे चिन्ह रही गोटे चिन्ह पद्म चिन्ह रही तेणु यही भाव भगवान जो रही चैतन्य चरितामृत बहुत सुंदर भाव में भगवान रूप को वर्णना कर द्विजराज श्लोकटी रही बहुत सुंदर भगवान महाप्रभु यू आस्वादन करुले भगवान रूप वर्णना करणदास कविदास को से वर्णना करती अन्य बहुत कवि मैंने भगवान रूप को वर्णना कर महाप्रभु यू आस्वादन करुले भगवान रूप रही सौंदर्य रही तेणु यही भाव में नम पंकज महाभाय नम पंकज मालिनी नम पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे तेणु ये टीकार कहुच्छे आ पूर्वर जो भगवान को से प्रार्थना कर 25 नंबर श्लोक से कही देव देवेश्व आपण हो देवता मान श्रेष्ठ देवता मान श्रेष्ठ और श्रेष्ठ देवता श्रेष्ठ आपण देव देवेश से देव देवेश जो रही से उपपाद केमी श्रेष्ठ से वर्णना कर
भगवान सहित भगवान रूप सहित कहार रूप समान हो पार ना भगवान रूप एभली रूप रही विष्णु अन्य जिते विष्णु सब रही कौन रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम् अकरोद् भुवनेषु किन्दो कृष्ण स्वयं समभवत् परमापमानयो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। भगवान का विष्णुकर मतलब सौंदर्य रही बहुत सुंदर सुंदर देखापी किंतु भगवान रूप सहित कहीं सामान हो पारे ना कृष्णकर ये चारोटी हूँ विशेषत्व रही गोटे हूँ रूप माधुरी गोटे हूँ वेणु माधुरी गोटे लीला माधुरी गोटे हूँ प्रेम माधुरी ये चारोटी माधुरी रे भगवान कृष्ण सहित कहीं सामान हो पारे ना भगवान रूप माधुरी त्रिभंग ललितम से भगवान अन्य कौन सी भगवान कौन सी रूप से यह त्रिभंग ललित ना एक बार तो कृष्ण ही त्रिभंग ललित आम श्रीमद गौरवंद स्वामी महाराज कहती ये त्रिभंग ललित जो भगवान रही ये तीनोटी तत्व को प्रकाश करती वेदरे ये तीनोटी तत्व रही गोटे संबंध तत्व गोटे अभिधेय तत्व गोटे हूँ प्रयोजन तत्व संबंध अभिधेय प्रयोजन ये तीनोटी तत्व रही वेदरे ये जो भगवान त्रिभंग ललित तार यू प्रकाश कर भगवान तीनोटी तत्व तीनोटी तत्व जाणीजे से सबकि जाणीजे भगवान जाणीजे तीनोटी तत्व भगवान से त्रिभंग ललित आउ कौन सी भगवान रूप यह त्रिभंग ललित नुहंती एवं भगवान मध्य केवल वृंदावन में से त्रिभंग ललित रूप से प्रकाशित हूँ अन्य जो मथुरा रही द्वारका रही से त्रिभंग ललित रूप प्रकाशित हूँ ना भगवान जो बंशी धारण वंशी धारण करती से त्रिभंग ललित ठाणी ये वंशी बाधन करती ब्रह्मा तर ब्रह्म संगीत कहते वेणु गणंदमरविंद दड़ायताख्यं बरावतम समासिता मुंद सुंदरांगम कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। भगवान जो वेणुनाद करती कुणंतम अरविंद दड़ायताख्यं अरविंद से पंकज बा पद्मर उदाहरण दि जाए वेणु कुणंतम अरविंद दड़ायताख्यं भगवान जो नेत्र रही पद्म नेत्र रही सेटा को से दोलायित करती जो वेणुवादन करती दोलायित बराहवतम समास बराहवतम जो सुंदर से जो लगाती मयूर पुच्छ को धारण करती मस्तक समासिता मुद सुंदर भगवान को जो अंग अंग रही श्रीअंग रही किभली भाव श्याम श्याम वर्ण समासिता मुद सुंदर यही बादल रंग भली भगवान रूप रही सुंदर एति भगवान रूप एवं श्याम त्रिभंग ललित नियत प्रकाशम भगवान श्याम वर्ण से जो त्रिभंग ललित तीन स्थान भगवान वक्र रही नियत प्रकाशम ये वृंदावन भगवान रूप 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 माधुरी भगवान सहित ये अन्य कौन सी रूप भगवान सहित सामान हो पारे ना त्रिभंग ललितम सौंदर्य रही भगवान तेणु ये कहते से जो देवेदेवेशम यू वर्णना कर श्लोक कि देवेदेवेश वर्णना करुति कर अच्छा ये जो रही सनातन गोस्वामी कहते जे प्रथम कहगला नम पंकज नाभाय भगवान नाभि जी सुंदर ताठ आहरी सुंदर होकर पंकज मालिनी पंकज माला धारण कर आहरी सौंदर्य वृद्धि पाऊँ एवं नम पंकज नेत्राय भगवान जो नेत्र रही आहरी तर सौंदर्य रही अधिक सौंदर्य से सनातन गोस्वामी कहते कौन यथोत्तर सौंदर्य हेतुत्व श्रेष्ठम अच्छा गोटे पर गोटे अधिक सौंदर्य रही गोटे पर गोटे वर्णना कर श्रेष्ठत्व रही वर्णना कर किंतु भगवान जो पादपद्म रही पादपद्म यहाँ हूँ कौन इन
फीट इंडिकेट्स ब्यूटी एज एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन। हाँ भगवान पादपद्म जो रही ये हूँ भक्तिर भक्ति को भक्तिर विशेषत्व प्रदान करने भगवान पादपद्म को वर्णना करा भगवान पादपद्म भक्तिर भक्ति भक्त माने भगवान पादपद्म ही रही था भक्त माने से पादपद्म सेवा करने सब प्रार्थना करती वर्णना कराए भगवान पादपद्म रही सब जो मैंने दास्य भाव रही भगवान सहित से सब चाहती भगवान कहीं पादपद्म सेवे निजुक्त हाँपाई जो मैंने दास्य भाव भगवान सहित संबंधित दास्य रस सख्य रस वात्स्य रस माधुर्य रस ये सब विभिन्न प्रकार रस रही कि जो मैंने दास्य रस भगवान सहित संबंधित से चाहते सब भगवान पादपद्म सेवा करने पाद सेवा पाद सेवा भगवान पाद सेवा करने भी चाहते गोटे श्लोक अच्छा प्रार्थना करमर जो रही पृथु पृथु महाराज से भगवान भक्त ए भगवान अवतार सी पृथु महाराज भागवत चतुर्थ स्कंध वर्णना कर सी भगवान प्रार्थना कर प्रभु मु मत कृपा करूँ भगवान चाहती पृथु महाराज को दवापी बर दवापी कौन तुम बर चाहू ग्रहण कर यही भाव में ये बहुत घटना रही चतुर्थ स्कंद से वर्णना कर पृथु महाराज ये कि जो भगवान अवतार साधारण राजा नुहत भगवान अवतार सी बेण बेण महाराज जो रही से भगवान विरोध करुले तेणु ब्राह्मण मैंने अभिशाप दे कि हत्या करते तेणु हत्या कला देश में विभिन्न प्रकार विशृंखला सृष्टि तेणु तर शरीर को मंथन करसबू आसिले प्रथम जड़े कला पुरुष आसिले पठेदेले सी रही जंगल से रे मंथन करीर को मंथन कर आसिले दुईज आसिले भगवान आसिले पृथ्वी महाराज आसिले आउ अर्ची आसिले विष्णु और लक्ष्मी दुईज जाक आसिले तेणु ये पृथ्वी महाराज जो यज्ञ करुले यज्ञ करुला से इंद्रदेव तर सब यज्ञ को नहीं जाते चोरीगिरी इंद्र जो चोर नहीं जाते पुत्र पृथ्वी महाराज पुत्र विजिता अश्व बोली कह जाए कारण इंद्र जो नहीं जाते अश्व को ये जय करके आनी ना हो विजिता अश्व यही परंपरार आसवे जो प्रचेता प्रचेता ये भागवत सब कथा रही आमर कथा कहार उद्देश्य हूँ ये जोबले नहीं जाते धरा पड़े तापर यज्ञ इंद्र को आहुति देवाई सब मंत्र पाठ करागला यज्ञ इंद्र को आहुति देवाई बलि देवाई तेणु इंद्र भगवान शरण हेले भगवान आसी उपस्थित हो गले इंद्र ब्रह्मा मत सब आसिले इंद्र भगवान मत आस पहुँचिले तेणु भगवान जो आसीगले से यज्ञ भगवान चाहती पृथ्वी महाराज को बर प्रदान करने तेणु पृथ्वी महाराज बहुत सुंदर स्तुति कर गोटे स्तुति ये रही से गोटे स्तुति रही प्रसिद्ध स्तुति से कौन पृथ्वी महाराज कौन ये न कामे नाथ तदपि हम क्वचित न जत्र जुष्म चरणाम्बुजा सब से कौन प्रभु मोर अन्य कौन से कामना ना मुझे चाहू ना न कामे नाथ तदपि हम क्वचित मुझे चाहू ना न जत्र जुष्म चरणाम्बुजा सब जो आपणकर पादपद्म ना चरणाम्बुजा सब ये पादपद्म मधु रही पादपद्म मधु रही जमी पद्म फूल मधु रही भगवान पादपद्म से मधु रही न सीटा को कौन भक्त मैंने से पादपद्म मधु को आस्वादन करती भगवान आम कौचे ना मधु गड़ू मकरंद भगवान पाद मकरंद रही भा भगवान कथा जो रही ये मत से भाव मकरंद से पान करती से तेणु से कौन किए आमर जो रही पृथ्वी महाराज कौन जे जद न काम नाथ तदपि हम कचि न जत जुष्म चरणाम्बुजा सब जो आपणकर पाद पद्म मधु ना जो ना मोर से सब किसी दरकार ना न काम नाथ तदपि हम कचि न जत्र जुष्म चरणाम्बुजा सब महत्मा हृदय मुखोच्युत महत्तम व्यक्ति मानकर साधु मानकर मुखरु भगवान कथा आसुची हृदय मुखोच्युत विधत्स करना युते से मोबर
तेणु से भगवान प्रार्थना करछन्ति प्रभु मते एही भली भाई वर प्रदान करंतु मोर आयुत कर्ण दियंतु। भगवान कथा सुनिया पई 10,000 कर्ण से प्रार्थना प्रार्थना करथिले 10,000 कर्ण एवं भगवान मते से प्रदान करछन्ति 10,000 कर्ण प्रदान करछन्ति ता नुह तांकर शरीर सारा कर्ण हे जाइतला ना सेई दुईटी कर्ण सेई दुईटी कर्ण रहै किंतु से कर्णर कैपेसिटी अधिकार रहै छि 10,000 कर्णर भली से सुनुथिले जोठी पृथ्वीर कौन ये विश्वर जोठी भगवान कथा आलोचना हुए सब से शुणती जमी आम रेडियो रे, कौटी दिल्ली में कौन कथ हो शुणुचे आमेरिकार कौन कथ चलती रेडियो रे टेलीविजन शुणुचे से भाव भगवान भगवान तुम से कर्ण दे आम जमी आम देखुचे व्यासदेव दे क्या जो रही संजय को दे दिव्य चक्षु दे से रही हस्तिनापुर किंतु युद्ध होती कुरुक्षेत्र से कौन हो भगवान कौन कहले भगवान किभली रूप देखले अर्जुन कौन चिंता कले मन में सब कथा से जापारे तेनाली भाव ये मध्य भगवान देले से वर प्रदान कले से सब शुणीपुर 10,000 कर्ण से प्रदान कले तेणु ये कहुची न जत्र युष्म चरणाम बुझासम महात्मा अंत हृदय मुख चल विदस् कर्णा युत से मोर मोर यही वर प्रदान करंतु प्रभु तेणु यही भाव में भगवान मत से प्रार्थना कर प्रभु आम आपणकर पाद सेवा करुचु से समय लक्ष्मीदेवी लक्ष्मीदेवी सहित प्रतिद्वंदिता होवार मत प्रतिद्वंदिता रही सेवा हूँ प्रतिद्वंदिता चलती सेवार प्रतिद्वंदिता जो हूँ लक्ष्मीदेवी को भगवान स्थान देखकर बक्षर स्थान दे लक्ष्मीदेवी को किंतु तथापि लक्ष्मीदेवी से स्थान को छाड़ कर सब भगवान पादपद्म सेवार रत थी था पादपद्म सेवार रत रही था लक्ष्मीदेवी कह जाए चंचला चंचला कारण से गोटे स्थान अधिक समय रही पारती ना आमर जमी मन चंचल लक्ष्मीदेवी मत से चंचला भी कह जाए आमर ओडिया गोटे कथा अच्छी आज जे राजेन्द्र आसने काली से फकीर आज बहुत धनी व्यक्ति रही आसंता काली से हे तो दरिद्र हो जाऊँच लक्ष्मीदेवी गोटे स्थान अधिक समय रही पारती ना लक्ष्मीदेवी किंतु भगवान पाद पद्म सेवार भगवान लक्ष्मीदेवी अचंचल हो जाती चंचलत्व नष्ट अचंचल हो जाती सी तेणु सब दास संबंध में भगवान सहित जो मैंने संबंध से चाहती भगवान पाद सेवार रत रही कि लक्ष्मीदेवी रही लक्ष्मीदेवी सहित जदि कौन कारण गंडगोल हुए असुविधा हुए ये कहते किए ये मध्य भगवान जन अवतार पृथु महाराज से कहते प्रभु जदि ये भाव में किसी गंडगोल हुए तो आप लक्ष्मीदेवी सपोर्ट करेंगे ना आमको सपोर्ट करेंगे यही भाव से प्रार्थना कर स्तुति बहुत स्तुति रही सनत कुमार से भाव में भगवान स्तुति कर भगवान स्तुति ना ये सब उपदेश पृथु महाराज को उपदेश पृथु महाराज भगवान को जन अवतार चारि कुमार उपदेश सनत कुमार सनत सनातन सनातन सनत कुमार तर गोटे प्रसिद्ध श्लोक रही ये भगवान पादपद्मर एत रही महानता रही भगवान पादपद्म से कहते यद पाद पंकज पलास मिलास भक्तिया कर्मा स्वयं गथित उद्गतंती सत्तो तद्वन्न रिक्तमतयो जतैपिरुद्ध श्रोतो गुणस्तमरण भज वासुदेव ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक भक्तिर सामृत सिंधुरे आमर रूप गोस्वामी ये श्लोक टी उद्धार कर व्यक्ति सामर्थ्य सुंदर श्लोक उद्धार कर कहीं ना ये जो रही अविद्या दूर करती भगवान पाद पद्म अविद्या दूर करती जो भक्ति जने कर भक्तिर अनेक रही छटी लक्षण रही छटी लक्षण रही चैतन्य चरितामृत वर्णना करें कह तेना श्लोक जो कह कहते जत पाद पंकज पलास विलास भक्त्या जत कहले जो भगवान पाद पंकज पाद पद्म पलास विलास भक्त्या एत सौंदर्य रही पाद पद्म तेणु जो मैंने भक्त से मैंने से ही पाद पद्म सेवार निजुक्त था
तेणु जो मैंने भगवान पादपद्म सेवार निजुक्त रही थार कौन हुए ना कर्माशयं गतितं उद्गच्छन्ति सन्तु जो कर्म बंधन रही ये कर्म बंधन को छेद करदेव भगवान पादपद्म सेवा जो मैंने करती ध्यान करती ये कर्म बंधन को छेद करदेव सी गतित उद्गच्छन्ति सन्तु सन्त मैंने भक्त मान तद्वन रिक्त मत जो मैंने भगवान पादपद्म आश्रय नहीं ना भगवान रूप चिंता करूना निर्विशेषवादी मैने रिक्त मत कह जाए रिक्त मत भगवान रूप को से ग्रहण करूना भगवान जो ब्रह्म चिंतन करते जो मैंने ब्रह्म चिंतन करती भगवान रूप को से चिंतन करती ना तेणु से मैंने तद्वन रिक्त मत जत विरुद्ध श्रोता गण स्तवरण भोज वासुदेव जो भाई भाव से जो रही कर्म जो बंधन रूपक वृक्ष रही कर्म बंधन रूपक वृक्ष रही ये कर्म बंधन रूपक वृक्षर पत्र टी मत छेद करें छेदन करें ब्रह्मचिंतन करू एम जो मैंने भगवान पादपद्म आश्रय नहीं पादपद्म सेवार रत रही से मैने पूरा कर्म बंधन को कर्म बंधन रूपक वृक्ष को छेदन कर दिखन रिक्त जत श्रोता गण स्तमरण भज वासुदेव यू सनत कुमार गोटे उदाहरण देती किमी समुद्र आम देखुचे बा नदी में सब ढे रही नदी में सब ढे रही से ढेटा को आम बंद करना तेनाली भाव में आमर मनरे जो विभिन्न प्रकार काम क्रोध लोभ मोह मद मस विभिन्न प्रकार ढे आसुच्ची येटा को आम के बंद करवा तेणु जो भगवान पादपद्म जो मैंने ध्यान करे ढेटा यही भाव बंद कौन यही भाव में से ढेटा को बंद कर पारती कि से कि प्रभुपाद महाराज उदाहरण देखते बहुत सुंदर उदाहरण देखते जो भाव देखा जो रही नदी जो गुड़ाक जो पड़ी समुद्र पड़ू जो नदी में जो जुआर आसे नदी में जो जुआर आसे देख ला बेलू बहुत जुआर नदी हो जाए शिशु गौरव से महाराज गोटे गप कहती ये तर रही गोटे जरुआ ये जो नदी रही आसे कौन जुआर आसे जुआरिया नदी गोटे रही जुआरिया नदी जो जुआर आसी जाए बहुत पानी ही जाइए जुआर छाड़गला आ कि पानी यही भाव गोटे थर गोटे शाशु एवं बहु यही दुईज जा कथा शुणापी नई पार हो शाशु बहु नई पार हो गला बेलू जुआर नाला अल्प पानी थी पड़गले किंतु जो भगवान कथा शुणुं से कथाकार जो भगवान कथा कौन से कथा प्रसंग ये कथाटी कही कहले आनंदे बोलो हरि 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 करियो भगवान आनंद रे भगवान हरि बोल ये भाव जो पाइले ये जो शुणी आसिले शाशु बो दुईज जाक शुणिले शाशु बो शुणिले बोहूर ये भगवान कथार विश्वास आसीगला भगवान नाम ने भवसागर को जन पार ही जापर यह भाव विश्वास आसला तेणु जो फेरुंत नदी में जुआरिया नदी हो जाए जुआर आस बहुत जल जल आई किंतु बहु भगवान नाम नहीं पार हो गल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम आम हरे हरे किंतु शाशु तार भगवान कथा विश्वास ना तेणु से उठ बहुत तेणु बो पार ही आस बो कह कौन कह बो बोली जहाँ कह शाशु हाँ भगवान नाम नियो शुणिले ना से कथाकार कहले भगवान नाम ना तो पार हो भवसागर पार हो छुटिया नदी टे कौन पार हड़बड़ कथा हाँ से कह तू मत बुद्धि शिखेबू बो कह शाशु तू मत बुद्धि शिखेबू कहीकि भगवान नाम नौ ना बुड़ी मला से हाँ यही कथ रही तेणु ये जुआर नदी उदाहरण प्रभुपाद महाराज देखते जुआर नदी देखा जो जुआर आसी जाए से तो नदी जुआर आ नए बा नदी ढे आए समुद्र ढे आसी जाए से भाव में जो मैंने भगवान भक्त भगवान चिंताकर भगवान सेवा कर मन सब चिंतार रही था भगवान चिंतार केमी सेवा करी
केमिति सेवा करी केमिति कौन करी केमिति कौन यही विभिन्न प्रकार प्लान प्रोजेक्ट प्रभुपाद महाराज प्रभुपाद महाराज 12 वर्ष भीतर देखते के सारा पृथ्वी रे एक कृष्ण चैतन्य प्रकाश करदे 24 आवर्स से चिंता करूँ चिंताग्रस्त थे केमी भगवान ये जो प्रसार हम कृष्ण चैतन्य प्रसार हम 70 वर्ष बयस गले 69 वर्ष जाकि 12 वर्ष भीतर के प्रकार करदे जो मैंने भगवान को शुद्ध भक्त सब से चिंता करें कि भगवान कौन सेवा करवा सेवा करवा यही भाव सेवा चिंता रही थे तेणुता से समय आई निजर इंद्र चिंता आसबना सब भगवान चिंतार से रही थे तेनाली भाव में यह उदाहरण दि जाइए समुद्र ढे आसी जाए से नदी ढे न थाए से भाव जो मैंने भगवान भक्त भगवान विषय चिंता करी भाव मग्न हो जाती निजर जो निजर इंद्र तृप्ति कथा यह सब से भूली जाती से चैतन्य आम भक्तिर सहमत सिंधु आमर ये कही रूप गोस्वामी कही भक्तिर जो छटी अंग रही भक्ति करुता मैंने आमर छटी फल रही कौन कौन भक्ति रोचे कौन ना सेटा हूँ प्रथम हूँ जिते क्लेश रही सब दुख को दूर करदेव क्लेशाग्नि सुबदा मुख्य लघुता कृति यू विभिन्न प्रकार फल छटी फल रही जो मैंने भक्ति करार छटी फल रही तेणु प्रथम फल हूँ क्लेश अग्नि क्लेश को बा कष्ट को दूर कर दिए बा दुख जो मैंने प्राप्त होती भौतिक जगत में समस्त तीर्थ दग्धीभूत होती जो मैंने भक्ति से तार प्रथम फल हूँ ये सब दुख को से दूर करदेव क्लेशाग्नि क्लेशाग्नि क्लेश अग्नि भक्तिर सामर्थ सुंदर वर्णना कर जड़े क्लेश जो पाँच कष्ट जो पाँच कौन पाँच ना तार तीनोटी कारण रही ये सब कारण को भक्ति मध्यम सब सब नष्ट हो जाए क्लेश सब नष्ट कौन कौन से कारण ना गोटे हूँ पाप गोटे पाप बीज गोटे अविद्या पाप पाप बीज एवं अविद्या पापर पुण विभिन्न प्रकार रही पापर पुण विभिन्न प्रकार रही भाव गोटे हूँ कौन ना प्रारब्ध अप्रारब्ध विभिन्न प्रकार पापर रही पापर जोटा आम भोग कर प्रारब्ध प्रारब्ध भोग करुचे वर्तमान किए के प्रकार दुख कष्ट पाँच प्रारब्ध प्रारब्ध जो कर्म कर से अनुसार फल से प्राप्त होती अप्रारब्ध कहे जो पाइबे एपर्तंत पाइबे ये अप्रारब्ध तेणु ये सबकि नष्ट करदे भक्ति मध्यम ये सब पाप को नष्ट करदेव एवं ताद बीज कहले आईनी वृक्ष होना बीज आकार रही से फल फल मुख्य हम तार फल आस बीज स्तर अच्छी बीजटा को नष्ट कर दिव से बीजटा नष्ट कर षष्ठ स्कंद गोटे श्लोक को उदाहरण देखते यटा को आमर जमदूत मान को विष्णुदूत मान कही श्लोकटी ते स्थानी अघानी पुयते तप आदि भी ये श्लोकटी रही ये जो श्लोकटी रही श्लोकटी हूँ अविद्या हरत्वम जो अविद्या जुगुरु लोक मैंने कष्ट सेमाने जानु नहांती सेमाने भगवान अंश सेमाने भगवान भूली जाइथिबारु अविद्या रे पांच प्रकार पुनी अविद्या रही विभिन्न प्रकार अविद्या रही जाहु ए सब अविद्या को हरण कर दबो तार ए होजी ए श्लोकटी हो सेटा जद पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या ए भक्तिर सामर्थ सुंदर रूप गोस्वामी ए श्लोकटी को उदाहरण देसंती सब अविद्या दूर हो जीव भगवान भक्ति कले ते सब रही भक्तिर फल आम कौन कहवा तेणु आम विशेष भाव में यह रही भगवान पाद पद्म रही जो उन्नीसटी चिन्ह रही भगवान पाद पद्म उन्नीसटी चिन्ह रही तेणु ये उन्नीसटी चिन्ह रही गोटे चिन्ह हूँ पद्म पद्म चिन्ह कपिलदेव तांकर माँ देवहूति जो कहते से कथाटी कही भगवान जो पाद पद्म रही जो चिन्ह सब रही चिन्ह विषय जो ध्यान करेंगे संचित है भगवत चरणारविंदम भगवान कपिल देव माँ को कहते संचित है सब भगवान पाद पद्म को चिंता करने कथा सम्यक रूप चिंता करने कथा भगवत पाद पद्म संचित है भगवत भगवान पाद पद्म को चिंता करने कथा चिंता कले भगवान पाद पद्म जो रही सब चिन्ह रही सब चिन्ह
ଏସବୁ ତାର ରହିଛି କ'ଣ ସବୁ ଦୂର କରିବ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲି ସେଇଟା ଚିତ୍ତେତ ଭଗବତ ପାଦମ ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ସବୁ ରହିଛି ପାଦପଦ୍ମରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ଯେ ଚରଣାରବିନ୍ଦମ ଧାତୁମ ଭକ୍ତସ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅଙ୍କୁଶ 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 ପାଦପଦ୍ମ ଯେମିତି ହାତୀ ହାତୀକୁ ଏତେ ବଡ଼ ହାତୀ ରହିଛି ତାକୁ ମାଉଁ ତ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ନା ଅଙ୍କୁଶ ଦ୍ୱାରା ତେଣୁ ଭଗବାନ ପାଦପଦ୍ମରେ ଏ ଗୋଟେ ଅଙ୍କୁଶ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏ ଅଙ୍କୁଶ ଚିହ୍ନକୁ ଯେଉଁମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଏବମେବ ଯ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଧ୍ୟାତୁ ଭକ୍ତସ୍ୟ ମନୋହସ୍ତିନଂ ସୋ ବର୍ତ୍ମନ୍ୟାନ୍ ନେତୁ ଅଙ୍କୁଶ ଧତ୍ତେ ମନୋହସ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯାଉଛି ଆମ ମନକୁ ଭଗବାନ ପାଦପଦ୍ମକୁ ନେଉନାହିଁ ତେଣୁ ଭଗବାନ ପାଦପଦ୍ମରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କୁଶ ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିବା ସେ ମନରୂପକ ହାତୀକୁ ଏ ଅଙ୍କୁଶ ଭଳି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ଏ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଏସବୁ ଫଳ ରହିଛି ଅଙ୍କୁଶ ଧତେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମନ ସରସିମଳଂ କର୍ତ୍ତୁମ କମଳଂ ଭଗବାନ ପାଦପଦ୍ମରେ ମଧ୍ୟ କମଳ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ଏ କମଳ ଚିହ୍ନକୁ ଯେଉଁମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଫଳ କ'ଣ ହେବ ନା ମନ ସରସି ଅମଳଂ କର୍ତ୍ତୁମ କମଳଂ ମନରୂପକ ଆମର ଯେଉଁ ସରସି ରହିଛି ବା ପୁଷ୍କରିଣୀ ରହିଛି ତାହାର ଯେଉଁ ମହିଳା ସବୁ ରହିଛି ଅମଳ ମଳ ସବୁ ରହିଛି ସେସବୁକୁ କ'ଣ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବ ଏ ଭଗବାନ ପାଦପଦ୍ମରେ ଥିବା ପଦ୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ମାତ୍ରକେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମନସେ ସର୍ବୋତ୍କର୍ଷ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଧାତୁଂ ଧ୍ୱଜଂ ଭଗବାନ ପାଦପଦ୍ମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ଧ୍ୱଜ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଧ୍ୱଜ ଲାଗିଛି ନୀଳଚକ୍ର ହେ ଦେଖ ଉଡ଼ୁଛି ବାନା ଧ୍ୱଜ ରହିଛି ଧ୍ୱଜ ଉଡ଼ୁଛି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ପାଦପଦ୍ମରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱଜ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ସେ ଧ୍ୱଜ ଚିହ୍ନକୁ ଯେଉଁମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ ସେମାନେ କ'ଣ ମନସେ ସର୍ବୋତ୍କର୍ଷ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦାତୁଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତିକୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦାତୁଂ ଧ୍ୱଜଂ ଏବଂ ଭଗବାନ ପାଦପଦ୍ମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ସେଇଟା ଜବ ଜବ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ସେ ଜବକୁ ଯଦି ଜଣେ ଧ୍ୟାନ କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଫଳ ପାଇବ ନା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଯଶୋ ଧାତୁ ଯଶୋ ଧାତୁ ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଶ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲେ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଶ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଶ କାହାର ଯିଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ତାହାର ଯଶ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ପାଦପଦ୍ମରେ ଥିବା ଜବକୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯଶ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଯଶ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ରହିଛି ଛତ୍ର ଗୋଟେ ରହିଛି ଛତ୍ର ପାଦପଦ୍ମରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ଛତ୍ର ଚିହ୍ନ ଏ ଛତ୍ରକୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତ୍ରିବିଧ ତାପ ଅସମାୟ ଯେମିତି ଆମେ ଉତ୍ତାପରେ ଦଗ୍ଧିଭୂତ ହେଇକି ଛତାକୁ ଲଧରିକି ଯାଉଛେ ଦିନ ଖରାବେଳେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ପାଦପଦ୍ମ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ତ୍ରିତାପରେ ଦଗ୍ଧିଭୂତ ହେଉଛେ ସେ ତ୍ରିତାପରେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା ଏବଂ ଭଗବାନ ପାଦପଦ୍ମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ଗୋଟେ ଚକ୍ର ସେ ଚକ୍ରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ ସର୍ବତୋ ରକ୍ଷଣାର୍ଥମ ଚକ୍ରାଧିକମପି ଧତ୍ତେ ସବୁଥିରୁ ଆମକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ ସେ ଚକ୍ର ଭଗବାନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଏଇଭଳି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଭଗବାନ ପାଦପଦ୍ମରେ ଥିବା ଚିହ୍ନର ସବୁ ରହିଛି ଫଳ ସବୁ ରହିଛି ଧ୍ୟାନ କଲେ ତେଣୁ ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି ପଙ୍କଜ ନାଭା ପଙ୍କଜ ନେତ୍ର ସତ୍ୟ କୁହାଗଲା ତେଣୁ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ପଙ୍କଜ ନାଭୋଜସ୍ୟ ତସ୍ମୈ ଜଗତ୍ କାରଣା ଇତ୍ୟର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଦେବୀ ଭଗବାନ ନାଭି ପଦ୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଜଗତ୍ କାରଣ ସେଇ ନାଭି ହେଉଛି ଜଗତର କାରଣ ସେଇଠୁ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଜଗତ୍ କାରଣ ଜଗତ୍ କାରଣା ଇତ୍ୟର୍ଥ ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସ୍ତୁତି ହେବ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବେ
श्लोकटी आम आसंता कह ये आम भावार्थ कहुच्छे राणी कुंती एक प्रकार प्रार्थना निवेदन करते राणी कुंती प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय ये श्लोकटी रही जहाँ श्रीमद भागवत प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक 22 रे देखा मिले प्रभुपाद महाराज ये श्लोकर भावार्थ देखते किंतु ये जो श्लोक है श्लोक प्रभुपाद महाराज देना शिष्य मैंने तेणु तक शिष्य मैंने यठार प्रदत्त शब्दार्थ और अनुवाद ये श्लोक श्री प्रभुपाद प्रदत्त शब्दार्थ और अनुवाद ग्रहण कर जो भी प्रभुपाद शब्दार्थ रही भावार्थ रही शिष्य मैंने कोट करदे अलग किसी ना सी प्रभुपाद यूनिक भाई आई ना ताली जो सी देती तेनाली शिष्य मैंने निजर न देकर निजर अनुवाद न देकर सब प्रभुपाद अनुवाद प्रदर्शन कर प्रभुपाद महाराज ये अनुवाद करते जहाँ को आम गौर शिष्य गौरवंदी साई महाराज ओडिया अनुवाद करे परमेश्वर आपण नाभिदेश पद्म सदृश आवर्तरे चिन्हित गला देश में पद्मपुष्पर माला नियत व निरंतर शोभित आपण दृष्टिपाद पद्म सदृश स्निग्ध एवं पाद द्वय पदचिह्न अंकित पाद द्वय पदचिह्न अंकित आपण को मोर सश्रद्ध प्रणति नवेदन करूँगी तेणु श्लोकटी प्रभुपाद महाराज इंग्राजी ट्रांसलेसन कर शिष्य मैंने गौरव से महाराज ओडिया ट्रांसलेसन करेणु ये कौन शिष्य मैंने आम लक्ष्य करूँ जदि भागवत प्रथम भाग में कुंतीदेवी प्रार्थनार उल्लेख अच्छी कितु एठार वर्णित घटनार बहु वर्ष पर से प्रार्थना नवेदन करते पाखापाखि 60 वर्ष पर कथा 50-60 वर्ष पर कुंतीदेवी श्लोकटी कही कुंतीदेवी से भूमिदेवी कही से शुण कहते नुह कुंतीदेवी तर मनरे भाव से आसी भगवान रूप देखिले जड़े यही पद्म सहित तुलना करेंगे एक्जाक्ट यही श्लोक को सी कही कुंतीदेवी कुंतीदेवी जो कही भूमिदेवी कही श्लोकटी शुणी कहता नुह कुंतीदेवी मनरे भाव आसूसी तेणु से 26 श्लोक ना के भगवान स्तुति कर ये तो मात्र 8 श्लोक स्तुति कर भूमिदेवी 25-32 8 श्लोक कहते कि कुंतीदेवी 26 श्लोक भगवान स्तुति करेणु ये श्लोक आहरी बहुत कथा रही बहुत आचार्य मैंने कहते कि आम समय होगा आम ये कथा विश्राम देवा देवतापुर 3 मिनट भगवान नाम कीर्तन कर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Thank you.